तेरी उधर फियांसे वेट कर रही है, तू आके ना उसी पे आके बैटिंग कर, तेरे पास और कुछ नहीं बचा। ओके होशिया मेनू वाले ओ कोई इंटरव्यू ले आकर, किसी बंदियां दा ले आकर, कोई जनानियां दा ले इंटरव्यू कर रहा हूं। इतना घटिया परफॉर्म यार, इतना घटिया। एक हकीम यार, हकीम होने चाहिए हर पर्सनली, एक बंदे का ना एक हकीम होना चाहिए। खानी पड़ा हुआ था क्या, बेवकूफ है ये बाबर आजम, उसको पता नहीं था कि वो क्या स्कोर कर रहा है। क्या नंबर 1 टीम है ये तुम्हारी, ठुल्लू बाबे की नंबर 1। क्या कहेंगे, दर फुटे मूल जितनी लंते भेजो उतनी कम है, वापस आ जा। वो सोना ने सारे ने सिर्फ लिद कीती है, लिद कीती है, लिद कीती है। प्लेयर वो है, ये प्लेयर नहीं रहा, दिस प्लेयर इज नो मोर। उनके तू जन जी बच्चा होने वाला होता है, 8वां महीना लगा था वो होने वाला है। उन्होंने छनकना तो फिर ही कुछ ना कुछ कर जाता है, बच्चे को खिला जाता है। इन्हें की किते वर्ल्ड कप, ये हमारी ये छनकरे लंगरे लूले खेलने गए। वर्ल्ड क्लास जरा इस्तेमाल किया जाए ना लफ्ज, ऐसा जरा ठीक कर ले, इस तो पहले कि मेरे जज्बात और खराब हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो। कोई वेरे में नहीं खेलने देता, उनको उठा के ले गए वर्ल्ड कप खिलाने के लिए। अला बस दिखा, दिख नहीं रहा, गंदे गटर में डूब के मर जाना। वो जी करता मैं अपना छितर मार के फिर छितर पा ला मैं अपना। क्यों पहले कभी भाई आपने समझे, आज आप भाई जाना, असी कोई पाकिस्तानी नहीं, असी अफगानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे है यार, की तुसी सिर खान आ जंदे यार, पाकिस्तान हार गया तो की हो गया यार, अफगानी अपने भरा ने यार हद हो गई यार, तुसी से जीप ड्रामे लाए ने यार। आज तो तुहानू भरा नजर आ रहे, पहले तो तुसी भरा समझते नहीं सुनना, आप पहले कभी भाई आपने समझे, आज आप भाई जाना, असी कोई पाकिस्तानी नहीं, असी अफगानी हैं। अच्छा फिर क्या वजह लगती है आज मैच हारने, क्या वजह आपको लगती है हमारी कहाँ गई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, बॉलिंग वर्ल्ड क्लास जो कि बेरागढ़ कार हमारी बॉलिंग का हो चुका है यार। मेरे को भरावा होश कर, होश ही है मैनू वाले, कोई इंटरव्यू लिया कर, किसी बंदियां दा लिया कर, कुछ जनानियां दा लेन लग पैना यार, आंदे साथ ही यार खुदा दा। अच्छा वो जितनी टीम का जनानियां टीम है, जनानियां गई दी ने सारियां यार, आपको इतना हाइपर क्यों है थोड़ा पे, जनाने जनानियां ने होई, असी हाइपर क्यों है थोड़ा सा नीचे हाइपर ही होना, और की होना यार, दिमाग दी दही करके रख छड़े, लिद करके आ गए ने उथे, नहीं ये तो यार। अच्छा आप मुझे बताएं बाबर आजम कितना गुस्सा चढ़े हो तो तुसी इंटरव्यू लेने आ जंदे यार साडे कोल। अच्छा थोड़ा सा ना नॉर्मल, थोड़ा सा ना। अच्छा मुझे बताएं बाबर आजम के वाले से क्या कहेंगे, कैप्टन कैसे कप्तान है बाबर आजम। वो जी करता मैं अपना छितर मार के फिर छितर पा ला मैं अपना। क्यों छितर महंगा है, छितर महंगा भाई, उन्होंने की खातर छितर तो नहीं ना वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा अब वो जितनी हमारे से मुझे बताएं हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग एक्सपोज कर दी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसको हमने सिखाया, उन्होंने हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। पहले वर्ल्ड क्लास जरा इस्तेमाल किया जाए ना लफ्ज, ऐसा जरा ठीक कर ले, इस तो पहले कि मेरे जज्बात और खराब हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। पाकिस्तान वास्ते तुम कोई गलत अल्फाज जरा ना, अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने। अच्छा मैं ठेले ठीक है, अच्छे मुझे बताया बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे, हमें चाहिए था कि वो यार पाकिस्तान की जान छड़ दे, कि गल कर अफगानिस्तान चलिए छठ पर। अच्छा वो तो जा रहे हैं और सारे जान गए अफगानिस्तान मैच, अब आपने अब पाकिस्तान तो बाहर होने वाला है, अब क्या करेंगे आप, पाकिस्तान का क्या होने वाला है, बाहर होने वाला यार मेरे पास। ओ यार इनको ले जाओ यार, ऐसे चौके पाकिस्तान बाहर होने वाला है। ओए हो गया बाहर, खुदा दा नहीं होने वाला है, अब लोग को कुछ कह रहे भी मैच है उनके। तू जन जी बच्चा होने वाला होता है, 8वां महीना लगा था वो होने वाला है, होने वाला। अच्छा यार अच्छा मैं आपको थोड़ा मैं कर, मुझे ये बात बताएं आप, आज हारिस रऊफ ने क्या किया, शाहीन अफरीदी ने क्या किया, उसामा मीर ने क्या, जबकि आपको पता है उसामा मीर पिछले ऑस्ट्रेलिया के मैच में नहीं परफॉर्म किया, उसने 82 स्कोर, आज आप उसामा मीर को क्यों लेके आए, क्या वजह है, आपने हारिस रऊफ को क्यों जुमान खान नहीं पड़ा हुआ था, क्या बेवकूफ़ है ये बाबर आजम, उसको पता नहीं था कि वो क्या स्कोर कर रहा है, क्या उसको पीछे पड़ी है कितनी दो, हारिस रऊफ कितना स्कोर पड़ा जाना, मुझे भी मौका, मैं बोल रहा मेरे मेरे जज्बात होंगे फिर से, सोना ने सारे ने सिर्फ लिद की है, लिद की है, लिद हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ बाबर आजम की, उन्होंने लिदा किया। अच्छा सारे लिदे की हैं सब, और किया और किया मेघना की थी उन्होंने। अच्छा आपको लास्ट में मैसेज देंगे, नहीं देगा, चलो ठीक है अल्लाह हाफिज़। बड़ा गुस्सा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप, फटी भरी है भाई जान, ऐसे हैं ये अंदर से चीर के दिखा नहीं सकता, नहीं तो बताता कैसे, क्रिकेट में इंटरव्यू है आपका, है क्रिकेट मगर कोई देख के आया हूँ यार, आप इंटरव्यू कर रहे हो, इतना घटिया परफॉर्म यार, इतना घटिया, मैं कहता हूँ ठुड्डो से किसी टीम को मारो ना, वो भी इनसे कोई अच्छा बैटर परफॉर्म करके जाए, और 282 स्कोर चलो मन मुक के कर लिया इन्होंने, इनसे डिफेंड ही नहीं हो रहा, हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है जी, छनकरे की तुम्हारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, सीधे सीधे तुम्हारे गेंद जा रहे हैं,
वो नसीम शाह की बात आ जाती है, नसीम शाह था तो ऐसे था तो वैसे था, ओ भाई वो चला गया। बाकी तुम्हारे दो मेन बॉलर्स को क्या हो गया है? वो रऊफ तो मेरे ख्याल से रऊफ तो बिल्कुल ही फारग हो गया ना, पता नहीं वो क्या सोच रहा है, किस मेंटल ले यार, तेरे पास इतना पेस है, बांदर दे अब बच्चिया तेरे को गेंद नहीं हो रहा। चले आपका ये तो गुस्सा बनता रहा, क्योंकि हर पाकिस्तानी, एक मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी गुस्सा बनेगा। तो मेरा मकसद पूछने का कि जिस तरह विराट कोहली की, विराट कोहली अपनी जो कि दिन ब दिन अपने रैंक बढ़ाते जा रहे हैं, उनके स्कोर की बात करें 354 हो गया, अगर रोहित शर्मा की बात करो 311 हो गया उनका स्कोर। सर अगर हम बाबर आजम क्या कर रहे हैं आज, इन्होंने जो परफॉर्म किया, पीसीबी को अब एक्शन लेना चाहिए कि अभी भी बाबर आजम कंटिन्यू करना चाहिए? बाबर आजम को चाहिए खुद छोड़ दें, पीसीबी एक्शन बाद में ले। पीसीबी भी मैं कहता हूँ बैन हो जाना चाहिए पाकिस्तान में, पीसीबी भी ख़त्म हो जाए, बाबर आजम को भी बैठ जाए। यार अब देखे जो कोहली है, उसने जब देखा यार मेरे से परफॉर्म उस टाइम नहीं हो रहा, उसने कैप्टनसी छोड़ी ना, खुद ही छोड़ी, बोर्ड ने तो नहीं ना, बीसीसीआई ने तो नहीं था कहा, उसने छोड़ी, उसने अपनी इज्जत रखी, इसको अपनी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। इसको जिस दिन पता होता ना कि आज भाई आईसीसी रैंकिंग होनी है, उसे एक दो मैच तो पहले आएंगे उसमें 50, वो इंडिया का मैच आ गया था उसमें 50 कर गया था, अब ये बुध को फिर रैंकिंग होनी थी, आज भी उसने 78 स्कोर कर लिया, ठीक है उसको क्या, उसका रैंक नाम वाजिर है, उसने अपना बनाया है, ऐसे बहुधा नाम बनाने का क्या फायदा, क्या फायदा, वही शुभमन गिल भी तो है, शुभमन गिल वो आने वाला स्टार है, वो आने वाला स्टार है, ये स्टार बना था, ये स्टार हम कहते थे जिस स्टार इज बोर्न टुडे, बट ये खत्म, क्या परफॉर्म किया, किधर गई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, किधर गई बैटिंग, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग किधर, वर्ल्ड का बॉलिंग ना छनकने लग गई, इनके वाजे बज गए आज। और रऊफ मैं कहता हूँ मेरे सामने से आई यार, तेरी कहाँ पेस करता है यार तू 150, कौन सी, हाँ कौन सी स्पीड, बॉल की लेंथ ही नहीं पता, मैंने बॉल किधर करना यार, लगातार मैच देखते यार, वार्नर से कूटा आज, इनसे कूट गया उस दिन, इंडिया से कूट गया, तुझे पता ही नहीं है बॉल किधर करना है। अरे एक कप्तान होता है उसका क्या काम होता है, उससे ये काम नहीं होता कि मैंने किन किन बंदों को कहाँ कब कब चलाना है, अब जो कहीं नहीं है परफॉर्म कर, तुम उसकी जगह जुमान खान को खिला लो, बैकअप पे है तुम, हाँ उसामा मीर को तुमने कहलाया, तुम उसामा मीर को 82 स्कोर का है, तुम उसकी जगह तुम फिर उसको नवाज को लाओ, शदाब को तुम वापस रखो, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म कर रहा है, शदाब कर रहा है, ओ भाई यारियां नहीं बानी है इन्होंने, यारियां नहीं बाहर है मैच, हमने खुडे लाइन लगाना यारियों की वजह से लग गया, फेवरेटिज्म चल रहा है इस टाइम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा जी फील्डिंग इस वजह से नहीं अच्छी हुई, क्या जो है ना प्लेयर्स अपनी अपनी सोचो, कहाँ की सोचो, तुम क्रिकेट खेलने गए हो, क्रिकेट खेलो ना, तुम्हें आगे की टेंशन है ना पीछे की टेंशन है, 70-70 लाख रुपया 80-80 लाख रुपया तुम लोग हमसे फीसें ले रहे हो, हैं हमारा गुजारा नहीं होता और तुम्हें हमसे क्या चाहिए, तब भी नहीं तुमने छंगने लाइन पर यार, कम से कम हारो, हार जीत मैच का हिस्सा है, गेम का हिस्सा है, आज हम खेल के तो हड़ो, आज तो क्या हुआ, आज की हमने कितना स्कोर किया नहीं किया कि आज हम बचा सकते, अफगानियों से हड़ रहे हैं यार, अभी हमने सिखाया, हमने सिखाया उन्हें, हमने उन्हें सिखाया, आप यकीन करो उनके उधर पता क्या आलम होगा, जश्न मना रहे होंगे लोग, मैं तो सोचता हूँ कि वो आप तील का ऐलान ना कर दें अफगानिस्तान में, और हमें तो इस टाइम यकीन करें, हमने स्ट्रीमिंग वगैरह की, स्क्रीन लगाई बैठे सारे, और इतना मायूसी के साथ उठ के आना पड़ा यार, अफगानिस्तान से हम हार रहे हैं, हम ये वर्ल्ड कप, ये हमारी ये छनकरे गए लंगरे लूले खेलने गया वर्ल्ड कप। सर मुझे बताओ कहाँ पे शाहीन अफरीदी की बॉलिंग गई, कहाँ पे हारिस रऊफ की बॉलिंग गई, कहाँ पे उसामा मीर, कहाँ बॉलिंग गई, उसामा मीर उसका इतना नाम चल रहा है, उसामा मीर को लगा उसका उसामा मीर स्कोर से लास्ट टाइम, आज भी 15-15 12-12 15-15 स्कोर कर रहा है, तुझे बॉल करानी नहीं आ रही, मैंने बॉल फेंकनी किधर है, तो शदाब साहब है उनसे भी नहीं बोलना, उनसे गुगली लग रही है ना लेग ब्रेक, और ओवर में एक बॉल अच्छा करेंगे, पांच बॉल गंदे करेंगे, तो तुम्हारा एक बॉल हमने क्या करना है। अब मैं बता रहा हूँ कि एक और मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ कि बिल्कुल सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, T20 पिछले साल हुआ 2022 में, उस टाइम पाकिस्तान हारा, 23 अक्टूबर वाला दिन था और T20 का मैच था, तो पाकिस्तान हारा इंडिया से, सेम सिचुएशन इस दफा ODI की है, और ODI में हम फिर हार चुके अफगानिस्तान, सर क्या कहेंगे, सेम सिचुएशन 23 अक्टूबर ODI अफगानिस्तान से, पिछले साल T20 23 अक्टूबर, क्या कहेंगे सर,
मैं कहूँगा ये ब्लैक डे है पाकिस्तान के लिए इस टाइम, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ब्लैक डे है। और इन प्लेयर्स को बुला लें चुप करके वापस, उन्हें कहें भाई तुम लोग आ जाओ, तुम्हारी मेहरबानी है, इससे ज़्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबर आजम के साथ जो कंपैरिजन करते हैं विराट के, इस पे क्या कहें यार? कोहली मैं कहता हूँ वो बेवकूफ़ लोग हैं, इसकी उसकी क्लास बनती है, वो यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, वो अर्श पे है तो ये फर्श पे है, इन दोनों की कंपैरिजन ही नहीं बनती यार। दोनों लेग कैलिबर के प्लेयर वो है, ये प्लेयर नहीं रहा, दिस प्लेयर इज़ नो मोर, ये डेड है, ख़त्म है। ये मेरे ख्याल से बस जो हमें नाम याद है ना बाबर आजम का, अब थोड़े आप 4-5 साल बाद ये बाबर आजम ख़त्म हो जाएगा, कोहली एंड तक याद रहेगा कि कोई प्लेयर आया ओलंपिया में उसने क्रिकेट को ऐड कराया, एशियन क्रिकेट गेम में वो क्रिकेट लाया, हर जगह वो क्रिकेट लाया, इस टाइम वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर बन गया, ठीक है। उसने एक सेंचुरी और करनी है तो उसने सचिन तेंदुलकर का फास्टेस्ट सेंचुरी इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, और हर चीज़ वो अच्छी से अच्छी कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तानी टीम इतनी पैनिक क्यों हुई है, और वो अफगानिस्तान एक लास्ट टाइम हम अपसेट कर रहे थे, ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है यार, कभी ये जिम्बाब्वे से अब हार रही है, नाम सुन लो जी रैंक वन कर रहे हैं, नंबर वन टीम है ये तुम्हारी ठुल्लू बाबे की नंबर वन। ओ यार नींद नहीं आई हुई, इन्होंने जलील करके रख दिया, हमें नींद आई हुई है। अच्छी कैसी बात करते हो यार, नींद आई हुई है। अच्छा आप मुझे बताइए जलील कर दिया, बैटिंग की क्या कहेंगे, बैटिंग और कप्तान के वाले से क्या बात करेंगे? बैटिंग को मारो यार, जिसकी बॉलिंग पे हम बात करते थे कि हाँ वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की तरह हमारी किंग बॉलिंग है, हमारी ये बॉलिंग है, ऐसी बॉलिंग है, फलैसी बॉलिंग है, वो तो यार आज उन्होंने वो तो यार कसम चस आ गए, इनको डूब के मर जाना चाहिए यार, इनके ऊपर जितनी लंत है मैं जो उतनी कम है, इन लोगों को पता नहीं ये हमारी जो 22 करोड़ अवाम डेली को ये पिट रही है इधर, ये क्यों नहीं सुनते हो भाई। हाँ अच्छा सर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग किधर गई पाकिस्तान की? वर गई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग यार, इन लोगों को जिनको कोई वेरे में नहीं खेलने देता उनको उठा के ले गए वर्ल्ड कप खिलाने के लिए यार, इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया, इनको कोई पता नहीं है कि उधर 22 करोड़ अवाम बैठी उनके दिनों की यार, कभी ब्लड प्रेशर इनका पीक पे लेके जाते हैं, कभी नीचे लेके आते हैं। अभी तो खैर अभी तो पाकिस्तान के साथ वो हो गया ना कि फारग हो गया, मतलब इनके गोटे गिट्टू में साफ मुक गया। आपको क्या लगता है हकीम उनके साथ एक होना चाहिए था ये वर्ल्ड कप में? यार एक हकीम यार हकीम होने चाहिए हर पर्सनली, एक बंदे का ना एक हकीम होना चाहिए, इनको ज़रूरत अब वो नहीं रही दुआओं की और वो प्रैक्टिस की इनको ज़रूरत नहीं है, बस इनको हकीम ही दो, इनके गोटे गिट्टू से साफ मुक गया, बस बात ख़त्म। सर मुझे बताओ विराज जो इंडिया की भी टीम है वो भी खेली, इनको क्या बीमारी पड़ गई खेलने? हमारी इन्होंने इंडिया ने अपनी बॉलिंग ठीक की, अपना काम किया बॉलिंग ठीक की, पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी आज तक बॉलिंग पर काम किया? पाकिस्तान की बॉलिंग है मुझे बताएं हमारी कहाँ बॉलिंग है? और यार पहले तो मैं बताऊँ आपको, ये इंडिया जिसकी कहते थे बॉलिंग नहीं है, उस इंडिया की बॉलिंग आपने देखी है कितना इम्प्रूवमेंट आया है, और वो पाकिस्तान जिसकी बॉलिंग है कहते थे कि किंग बॉलिंग है जी, नंबर वन बॉलिंग है, हमारा मिडिल ऑर्डर छोड़ो हमारे पास बॉलिंग है, हमने अपनी बॉलिंग से ये कर देना, हमने अपनी बॉलिंग से वो कर देना है, और क्या किया इन्होंने किया, आज क्या छनकना किया इन्होंने? छनकना तो वो तो फिर भी कुछ ना कुछ कर जाता है, बच्चे को खिला जाता है, इन्हें की किते इन्हें तो वो भी नहीं किता। क्या लास्ट बाबर आजम के लाल से क्या कहेंगे? दर फुटे मोल जितनी लंते भेजो उतनी कम है, वापस आ जा, वो तेरी उधर फियांसे वेट कर रही है, तू आके ना उसी पे आके बैटिंग कर, मेरे पास और कुछ नहीं बचा।